दोस्तों, राफी डिजिटल ऑटोमेशन में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा प्रोमिनेंट डल्कोमीटर को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड, ये प्रोमिनेंट का एक डल्कोमीटर है, जैसा कि आप कीपैड पे भी देख सकता है। डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस है इसके, और जो रीडिंग हमें आता है फ्रेंड्स, ये वाटर का कंडक्टिविटी है, और ये उसका स्टेटस है कि हमारा जो ब्लो डाउन का वॉल है सिस्टम ऑटो में है या मैनुअल में है। और ये हमें वाटर का टेम्परेचर भी बता रहा है, करंटली 32.1 है। और फ्रेंड्स, इसमें आप नीचे देख सकते हैं कि हमने बायसाइड 1, 2 और इनहिबिटर इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, और ये हमारा ब्लीड वॉल्व है। करंटली सिस्टम ऑटो पे है, अगर आपको ऑफ़ करना है तो स्विच को इधर करके हमारा सिस्टम जो है ऑफ हो जाएगा। ये ब्लो डाउन का वॉल्व है, हम हैंड में भी ऑन कर सकता है और ऑटो में भी। हैंड में है तो कंटिन्यूस चलेगा और ऑटो में है तो इसको फॉलो करेगा हमारा रीडिंग को। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि ये जो रीडिंग है, कंडक्टिविटी है इसका, हमने लो पॉइंट, लो सेट पॉइंट और हाई सेट पॉइंट कैसे सेट करना है। हाई सेट पॉइंट का मतलब है जब हमारा रीडिंग वो वैल्यू पे पहुंच जाएगा तो ब्लो डाउन ऑन हो जाएगा, जैसा हमारा लो रीडिंग पे पहुंच जाएगा जो कि लो लिमिट है। ये रीडिंग जैसा ही लो लिमिट पे रीच हो जाता है तो हमारा जो ब्लो डाउन है वो ऑफ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हम इसको कंडेंसर वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसका कंडक्टिविटी का सेट पॉइंट चेंज करने के लिए हमने ये बटन प्रेस करना है जो कि ब्लीड कंट्रोल है। उसके बाद ये बटन प्रेस करो, पैरामीटर सेटिंग है, इंटर करो, जो कि अभी आपको दिखा रहा है हमारा हाई अपर लिमिट है 1350 और हमारा जो लोअर लिमिट है 1300। तो जैसे हमारा रीडिंग 1300 पे पहुंच जाएगा तो हमारा ब्लो डाउन ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद जैसा ही हम हाई लिमिट पे पहुंचते हैं तो ब्लो डाउन ऑन हो जाएगा दोबारा। तो इसको चेंज करने के फ्रेंड, ये अभी ब्लिंक करता है, तो ये अप डाउन का एरो की है, इससे हम इसका रीडिंग चेंज कर सकते हैं। और नीचे आने के लिए ये बटन प्रेस करके हम इसका लेवल भी अप डाउन ये दोनों की से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह इसका सेट पॉइंट चेंज किया जाता है और उसके बाद इसको सेव किया जाता है। पीछे जाने के लिए ये बटन यूज़ करो, अगर आपको मेन स्क्रीन पे जाना है तो ये बटन यूज़ करके मेन स्क्रीन पे आ गया। दोस्तों, ये था इसका हाई लिमिट और लो लिमिट सेट करने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साथ एक और पैरामीटर शेयर करेगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।